करना हो आपको, अगर माउसिन रैम में बेसिकली काम करना है, अब इस एरिया में आ जाइएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा स्कोप मिलेगा। बाकी उस तरफ भी और जगह है, मैंने देखा है उस जगह को, और मैं अभी कैंपिंग करने के लिए उस साइड भी जाऊँगा, उस साइड मैंने देखा है कुछ जगह आइडेंटिफाई किया है, तो उधर को भी जाऊँगा। लेकिन पहले ये वाला एरिया कम्प्लीट करता हूँ जहाँ पर मैं अभी हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू बिंग नोमैडिक, और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और जैसे कि आप देख रहे हैं जगह, मैंने रात को यहीं पे कैंप लगाया था अपना, ये रहा वो जगह जहाँ पे रात को मैं कैंप कर रहा था, इस पत्थर के बगल में। तो अभी अगर यहाँ पे आते हैं इस ओर, और आपको लगता है कि आप कहाँ पे कैंप कर सकते हैं, आप अगर मौसम न आने के बाद आपको कभी भी अगर ऐसा लगे कि आपको कैंप करने का जगह नहीं मिल रहा है, तो आप सीधा यहाँ पे आइएगा। वहाँ पे जहाँ पे मैं लोकेशन आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, यहाँ पे वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ का साइन बोर्ड है, आप वहाँ पे आइएगा। जैसे आप वहाँ पे आएंगे, वो एक स्पेसिफिक जगह है, वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ का साइन बोर्ड एक स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पे आप आएंगे। वहाँ पे आने के बाद आपको ये बड़ा सा पत्थर दिखेगा और ये पार्क दिखेगा, ये पूरा एक छोटा सा मिनी पार्क है, ये मिनी पार्क आपको दिखेगा। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोकेशन मिलेंगे कैंपिंग करने के लिए, बहुत सारे लोकेशन लिटरली। अगर आपको बाहर में कैंपिंग करना है एक अच्छे व्यू के साथ, तो आप इस जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर मैंने किया था। आपको अगर अंदर में कैंपिंग करना है तो यह हार्ट शेप में एक बना हुआ है जगह, उसमें आप कैंपिंग कर सकते हैं। इससे भी अगर आपको पूरा सेफ जगह चाहिए कैंपिंग करने के लिए, तो जो घर बना हुआ है उस घर में आप कैंपिंग कर सकते हैं, या घर में आप लिटरली रह सकते हैं, ऐसे ही लेट के मैट्रेस डालिए, लेट जाइए, ऐसा टाइप का है वहाँ पे। और आपको अगर थोड़ा सा मतलब ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप कैंपिंग करनी है, तो ये देख लीजिए 6 जगह बने हुए हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप यहाँ पर भी कैंपिंग कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्लेस है, देखिए ना, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्लेस ही कैंपिंग के लिए, आप यहाँ पे कहीं पे भी कैंपिंग कर सकते हैं। पूरा चारों जो ये इसका बाउंड्री है, इस जगह का जो पूरा चारों साइड का बाउंड्री है, वो पूरा फेंसिंग से घिरा हुआ है, तो आपको कोई भी मतलब जंगली जानवर से लेकर कोई भी बाहरी चीज़ का मतलब ऐसा डर वगैरह रहेगा नहीं। और यहाँ पे जंगली जानवर तो है ही नहीं यार, यहाँ के जो भी लोकल हैं वो सब जानवर को मार के खा जाते हैं। अगर जंगली जानवर दिख गए तो पूरा जंगल में दौड़ा दौड़ा के उसको मारेंगे और मार के खा ही जाएंगे उस दिन, तो यही हाल है। तो यहाँ पे कोई जंगली जानवर ऐसा है नहीं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। और जब जहाँ पे भी आपको मौसम नाम में कैंप करना हो, आपको अगर मौसम नाम में बेसिकली कैंप करना है, तो आप इस एरिया में आ जाइएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा स्कोप मिलेगा। बाकी उस तरफ भी और जगह है, मैंने देखा है उस जगह को, और मैं अभी कैंपिंग करने के लिए उस साइड भी जाऊँगा, उस साइड मैंने देखा है कुछ जगह आइडेंटिफाई किया है, तो उधर को भी जाऊँगा। लेकिन पहले ये वाला एरिया कम्प्लीट करता हूँ जहाँ पर मैं अभी हूँ। और एक जो भैया मिले थे कल मुझे, यूपी वाले भैया, तो उन्होंने बताया था कि मतलब उनका कुछ यहाँ पर साइट चल रहे हैं, तो उनके एक साइट पे कल मैं गया था खाना खाने के लिए। एक्चुअली कल जब मैंने कैंप किया, तो रात को जब मैं कैंप किया हुआ था, तो मैं खाना भी नहीं बना पाया कैंप में, क्योंकि एक भैया थे हमारे, वो लेके चले गए मुझे कहीं उनके साइट पे खाना खाने के लिए, और अच्छा खाना खाने के लिए। तो एक अच्छा खाना खाने के लालच में मैंने कैंपिंग में अपना फूड मतलब क्या होता हूँ खाना पीना बनाना सेक्रीफाइस कर दिया। और ये देखिए गाइस, ये मैं कह रहा था कि आप सीधा इसमें मैट्रेस डाल के आराम से सो सकते हैं। तो कल मैं उन भैया के साथ ही गया था खाना खाने के लिए, और जहाँ पे उनका साइट बन रहा है, अपनी जो कल की कैंपिंग होगी, यानी कि आज रात की जो कैंपिंग होगी, वो वहीं पे होने वाली है। चलिएगा इस, मिलते हैं आपसे मौसम राम घूमते वक्त, मौसम राम में टहलते हुए। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ मौसम राम के एक हिल टॉप पे, और यहाँ पे बन रहा है पीछे मेघालय गवर्नमेंट का साइट, और मेघालय गवर्नमेंट जो अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बना रहा है। और जो मतलब जो मुझे अभी लेके आए हैं, वो भैया मतलब यूपी के हैं, और वही मतलब यहाँ का काम देख रहे हैं, मतलब वही बना रहे हैं, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया हुआ है, और ऐसे उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मैं दिखाऊंगा यहाँ से आपको नीचे का व्यू, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद, मतलब यहाँ से, और ये देखिए आप सामने का व्यू गाइस। तो ये है मौसम राम का एक हिल टॉप, और सामने जो है वो सामने कोई दूसरा गांव पड़ता है, ये जो रोड जा रही है नीचे की तरफ, ये जाएगी उस गांव को, और मान लीजिए ना कि वो सामने वाला जो गांव है वो दूसरा गांव है, और ये अभी तक यहाँ पे मैं मौसम राम में हूँ, और ये सामने का व्यू अमेजिंग है यार। लेकिन सबसे जो मुझे कमी खल रही है ना, वो देखिए यहाँ पर, पहले आप व्यू देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। और ये सामने वो साइट है जो बन रही है एक्चुअली, और वो भैया मुझे लेके आए हैं, तो वही उन्हीं के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे कमी खल रही है ना, वो है यहाँ पे बारिश की। मतलब मौसम राम आने का मेरा सिंगल और एक ही पर्पज़ था एक्चुअली, कि यहाँ पे मतलब बारिश की, बारिश मतलब इन्जॉय कर पाऊँगा, और बारिश यार यहाँ पे भी नहीं हो रही है। मतलब इस साल सब लोग कह रहे हैं कि उतनी ज़्यादा बारिश, उतनी ज़्यादा क्या मतलब बारिश हो ही नहीं रही है। जो भी मतलब यहाँ पे नाले वगैरह थे वो सब सूख चुके हैं, जो भी वाटर स्टोरेज टैंकर्स थे बने हुए, मतलब जो बना रखे हैं लोगों ने पार्क में या फिर कहीं पर भी, वो सब के सब सूख चुके हैं, तो बारिश बिल्कुल हो ही नहीं रही इस साल। बाकी लोग मतलब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि मतलब इस सप्ताह से बारिश स्टार्ट होने वाला है, अगले वीक में स्टार्ट हो जाएगा बारिश अच्छे से, देखते हैं। गूगल भी कुछ यही कह रहा है,
बाकी गूगल का प्रोडक्शन तो यहाँ पे टोटली फेल है। गूगल का प्रोडक्शन मतलब लिटरली कह रहा हूँ टोटली फेल है। तो अभी चलते हैं अपन किसी और लोकेशन पे, वहाँ से आपको दिखाता हूँ मौसम राम दोबारा से। और अभी मैं हूँ मौसम राम के जो मौसम राम का बाजार है वहाँ पे, और अभी पूरा घूमेंगे इस बाजार को। लेकिन फिलहाल ये जो जहाँ पे मैं बैठा हूँ जिस कार में, वो उन्हीं भैया का कार है, वो जो यूपी वाले भैया मैंने बताया था। इनका नाम विशाल है और इनका बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, तो बट ये कैमरा पर नहीं आना चाहते थे, इसलिए मैंने उनके जाने के बाद ये शूटिंग कर रहा हूँ मैं। तो आप सामने देखा, हमने मैं आपको दिखाऊंगा अभी चेरापूंजी का जो चेरापूंजी मेरे माइंड में अभी तक रह रहा है, मौसम राम का जो बाजार है वो दिखाता हूँ मैं आपको गाइस। ये रहा सामने मौसम राम का बाजार, और ये काफ़ी अच्छा सा मतलब मार्केट टाइप का है। बट अभी जब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा तो आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। बताना चाहूँगा जो मौसम राम विलेज की ओर रोड है वो यहीं से जाती है, मौसम राम विलेज को, मौसम राम गाँव की तरफ रोड जाती है यहाँ से। और ठीक है, बाकी आज घूमते हैं, आज पूरा दिन घूमना है इन्हीं के साथ, और फिर कल देखेंगे कौन सा लोकेशन पे जाना है। बाकी आज तो पूरा दिन इधर ही घूमना है, और जहाँ पर मैंने कैंप किया था उसी के आसपास कहीं पे आज दोबारा से कैंप करूँगा। वहाँ पे बहुत सारे लोकेशन से कैंप करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आज उसी के आसपास उधर ही कहीं पे देखता हूँ कैंप करने का प्रॉपर लोकेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे आज फिर से अपन कैंप करेंगे, और उसका वीडियो आपको सेपरेटली आपको पता ही मिल जाएगा। तो मिलता है गाइस कुछ ही देर के बाद किसी नए लोकेशन पर, किसी नए जगह पर जाने के बाद। और एक्चुअली मौसम राम क्या है ना कि मतलब पूरा ही घूमने वाला एरिया है, और जो आज जिस दूसरे लोकेशन पर जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी अगर कुछ घूमने वाला हुआ, अगर वो मौसम राम के बाहर होता है या अंदर होता है अभी मुझे बाद में मालूम पड़ेगा, कुछ KM साइट करके भैया का है वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइस यार अभी मैं एक विलेज में हूँ, अभी आ रहे थे भैया के साइड पर जा रहे थे आगे, तो यहाँ पर रास्ते में एक मतलब काफ़ी अमेजिंग सा लोकेशन मिला, तो भैया ने रोका यहाँ पर, बोला इनको मतलब पूरा पता है मेघालय के बारे में, मेघालय का चप्पा चप्पा जो यहाँ के लोकल भी नहीं जानते होंगे वो ये जानते हैं। और मैं यहाँ का जो व्यू है वो आपको दिखाता हूँ। इसका जगह का नाम है मोकियांग करके, मोकियांग ये मौसम राम से करीब 18-20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का लोकेशन, ये देखिए सामने आ रही है झरने का पानी, और वहाँ पे बना हुआ है मतलब नहाने के लिए, बर्तन वगैरह धुलने के लिए, और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है एक्चुअली। ये देखिए यहाँ से सीधी गई है नीचे की तरफ, और सामने वो रहा व्यू पॉइंट, और सामने नीचे से आ रही है एक नदी। मतलब गेस करो यार, यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करने में मतलब लिटरली मज़ा आ जाएगा कसम से, बट मैं कैंप वगैरह कुछ लेके नहीं आया, वरना मैं कसम से कह रहा हूँ मैं यहीं पर रुक जाता आज। और ये रहा काफ़ी अमेजिंग सा माहौल है यहाँ का, और पूरा देख लीजिए ये व्यू जो है वो लिटरली काफ़ी बेहतरीन व्यू आ रही है यहाँ पे। और मोकियांग जगह है ये, आप अगर आते हैं तो आपको अगर कैंप वैम्प करना हो ना गाइस, तो आप डेफिनेटली मोकियांग आइएगा, और यहाँ पे आप कैंप कीजिएगा नदी के झरने के पानी के साथ, और मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, और वो सामने एक ट्रैक है, तो मैं अभी कोशिश करूँगा, भैया का जो साइट है वो उस तरफ है और सामने ट्रैक जो है वो इस तरफ है, मैं कोशिश करूँगा आज ये ट्रैक भी कंप्लीट करने का। बाकी देखते हैं जो भी अपडेट रहता है मैं आपको वहाँ पे जाने के बाद प्रोवाइड करूँगा कि ट्रैक मेरा आज हो पाएगा या नहीं। अगर ये ट्रैक पर जाना पॉसिबल हो पाया तो मैं डेफिनेटली आज ये ट्रैक करूँगा, और कोई दिक्कत नहीं ट्रैक करने में तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो चलते हैं अभी वहाँ साइट पर, और साइट पर से आपको वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं, और अगर ट्रैक हो पाया तो वहाँ का भी। मिलते हैं आपसे आगे। मैं वही नोंगपोंग गांव में हूँ, और काफ़ी अच्छा सा गांव है यार ये, मतलब ऐसा अगर गांव हो ना तो लगे कि हाँ मतलब गांव है, कोई कह सकते हैं कि हाँ गांव है हमारा एक लिटरली। और जिस गांव की एक्चुअली हम बात करते हैं ना वो गांव इसी को कहते हैं शायद। मैं दिखाता हूँ आपको ये गांव, इस गांव का फार्मिंग, इस गांव का खेती जो है वो भी दिखाऊंगा आपको, एंड यहाँ पे धान की खेती हो रही है शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसमें तो कुछ और है, ये सामने वाले खेत में कुछ और है, बट वो जो सामने आप देख रहे हैं उसमें शायद वो धान की खेती हो रखी है। मैं दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, ये देख पाएंगे आप, ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये धान की खेती हो रही है यहाँ पे, क्योंकि खेत में पानी भी है, और ऐसा पानी जो होती है धान के खेतों में होता है, यहाँ तो धान के खेतों में ही होती है, बाकी का मुझे नहीं पता एक्चुअली।
बट ठीक है, काफ़ी अच्छा सा माहौल है और ये गांव मतलब लिटरली खूबसूरत है यार, पत्थरों से भरा पड़ा है गांव। कहीं कहीं पे समतल ज़मीन भी है, ऑब्वियसली जहाँ पे खेती करना है वहाँ पे समतल ज़मीन है, बाकी पत्थर बहुत जगह पे हैं। और मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि लोगों ने यहाँ पे पत्थरों को साइड करके, पत्थरों को काट के खेती लायक जगह बनाया है, तो इस बात को रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और बाकी खेती का यहाँ पे ठीक ठाक एरिया है, मतलब बहुत कम है, लेकिन जहाँ तक मैंने और जगहों में देखा है उसके उसके कंपेरिजन में जो नोंगपोंग गाँव है वहाँ पर मतलब अच्छा खासा एरिया है। ये देखिए ना, इधर पूरा खेती ही खेती हो रखा है। इधर ये किस चीज़ का खेती है वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर कुछ क्लियर ही नहीं है। बट वो सामने देखिए पूरा खेती खेती है, वो सामने कुछ पेड़। एंड जिस तरह के मैं कैंपिंग साइट ढूंढता हूँ ना गाइस, वो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, इंडोनेशिया टाइप वाला, इंडोनेशियन लोग जो कैंपिंग करते हैं, वो रहा सामने। वो जो पेड़ देख रहे हैं आप लंबे लंबे कम झाड़ी वाले, वो वाले पेड़, उन पेड़ों के बीच में जो कैंपिंग होती है वो तगड़े कैंपिंग मतलब साइट्स होते हैं, काफ़ी ख़तरनाक कैंपिंग होती है उधर। बाकी चलते हैं थोड़ा सा इधर आगे, एक भैया वहाँ पे सामने खड़े दिख रहे हैं, बात करते हैं उनसे थोड़ा और पूछते हैं यहाँ पे किस किस चीज़ की खेती होती है। वो देखिए वो रहे सामने भैया, और यहाँ पर नहर टाइप की है, देख रहे हैं आप, पूरा पानी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसकी वजह से सूखा पड़ा है। देखे ना, पूरा खेत जो है वो पूरा खेत सूखा पड़ा है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले जगह पर मुझे लगता है कि मतलब कृत्रिम मतलब पानी यानी कि आर्टिफिशियल वाटर से काम चलाना पड़ रहा होगा अभी। ये तो मुझे मूंग का पेड़ दिख रहा है शायद। हेलो सर, हेलो सर, आपको हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा आता है आपको। यहाँ पे किस किस चीज की खेती होती है? यहाँ पे किस किस चीज की खेती करते हैं आप लोग? इधर भी खड़े तो क्या चौवा भी। ये मूंग का, ये मूंग का है क्या? मूंग है ना, वो दाल दाल। हाँ हाँ, मुझे लगा था पत्ते देख के, पत्ता देख के मुझे लगा पत्ता पत्ता मतलब लीफ। हाँ, तो मुझे वो देख के लगा कि मूंग का है। आप यहीं क्या है? इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम, गांव का नाम, हाँ इस गांव का नाम, इस जगह का नाम, नाम ये जगह, हाँ पोंगकोंग। पोंगकोंग, पोंगकोंग काफी बढ़िया गांव है आपका, काफी खूबसूरत। पोंगकोंग बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। उधर मतलब गांव बड़ा है, गांव बहुत बड़ा है। हाँ उधर सामने वो जो ऊपर पहाड़ है वही पोंगकोंग ही है। आप, मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ पे घूमने को आ रहा मावसिन राम, तो यहाँ पे मावसिन राम, अच्छा इधर, तो इधर मावसिन राम आया था, तो यहाँ से फिर हम लोग कार वॉश कराने आए यहाँ पे। कार वॉश तो ये रास्ता भी मोकला भी जाएगा। अच्छा मोकला भी जाएगा, मोकला भी कोई गांव है? आपका घर कहाँ पे? इधर उधर भी है, उधर है एक किलोमीटर। यहाँ पे इस बार बारिश क्यों नहीं हो रही है? बारिश नहीं आएगा, खाली एक महीना दो महीना भी बारिश नहीं आएगा। अभी एक दो महीना बारिश नहीं आएगा, किस फिर किस महीने में होगा बारिश? थोड़ा थोड़ा अभी आएगा, थोड़ा थोड़ा भी, थोड़ा थोड़ा आएगा, एक मिनट भी सब भी देगा। अच्छा एक महीने बाद बढ़िया से बारिश होगा। तो गाइस वही है कि मतलब इस बार बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही यहाँ पे, मतलब एक महीने बाद कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बारिश आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा आएगा, एक महीने बाद बढ़िया से भीजेगा, मतलब बढ़िया से बारिश होगा। चलिए आपसे मिलते हैं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? नाम तो रिक, रिक रिस्तानिंग, रिस्तानिंग, रिस्तानिंग सर से आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। उनसे बातें हुई अभी, और यहीं पे मूंग का खेत जो समझने में आता है कि मूंग का खेत यहाँ पे दाल बनने का काम आता है, और भी यहाँ का लोकल यूज़ होगा, मतलब मूंग का और भी लोकल यूज़ होगा, सब्जी वगैरह टाइप जो भी बनाते होंगे, बट दाल ही बनती है। तो चलते हैं अपन वापस से कहीं किसी और डेस्टिनेशन पे, और आपको दिखाता चलते हैं व्यूज व्यू। मैं यहाँ पे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, मतलब इतने अच्छे जब, इतना अच्छा जब मतलब सीनरी हो सामने, तो अपना चेहरा क्या दिखाना। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा जगह है यार ये, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, लिटरली अमेजिंग। और उनसे बात करके भी अच्छा लगा, तो कहीं कभी लोकल लोगों से बात करने का मज़ा ही अलग है।
चलते हैं अपन वापस जहाँ पे अपनी कार वॉश हो रही है। भैया भी वहीं पे होंगे शायद, ऑब्वियसली अब तक कार वॉश नहीं हो रही, तब तक कहाँ ही जाएंगे। और ये देखिए कुछ खेती का, चलते हैं ऊपर, मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। भैया गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ उन भैया के दूसरे साइड पे, और यहाँ पे जो जगह है इसका नाम है लुमसिंग पेयर। एक्चुअली ये अपने एक ट्रैक के लिए फेमस है, और ट्रैक जो है वो सामने, ये रहा लुमसिंग पेयर का ट्रैक, वो सामने आपको दिखाऊंगा मैं, वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जो ऊपर में जाने के बाद, ये देखिए सामने वो आपको दिख रहा होगा एक व्यू पॉइंट है। और ये ट्रैक जो शुरू होती है वो यहाँ से कुछ ट्रैक शुरू होती है, वहाँ से सामने आप घर देख रहे हैं घर वर, तो वहाँ पे एक बना हुआ है ऐसा, मतलब वो कुछ ऐसा बना हुआ है, मतलब एंट्री गेट टाइप का, और वहाँ से शुरू होती है ट्रैक, और ये ट्रैक ऐसे करके यहाँ पर ख़त्म होती है। ऐसा लोग कहते हैं यहाँ पे टोटल 10,000 सीढ़ी है, और 10,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप ऊपर उस ट्रैक पे पहुँचते हैं। 10,000 सीढ़ी चढ़ना, 10,000 सीढ़ी उतरना। अभी मैं देखता हूँ, अभी टाइम हुआ है करीब 1:10-15 के आसपास, अगर वो ट्रैक कर पाता हूँ या फिर कम्फर्टेबल टाइम रहेगा उसके लिए तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा उस ट्रैक के लिए। और बाकी ये रहा सामने एक झील टाइप का, सामने ये रहा, और काफ़ी अच्छा सा है लिटरली। एंड सबसे अच्छी बात ये है ना इस जगह की, मतलब यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको कहीं पे भी जब आप सामने दूर की तरफ देखेंगे ना, तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो जगह ब्लैंक है, वो जगह पे मतलब पत्थर, मतलब सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है या फिर पथरीला है, या जगह मतलब कहते ना एक ब्लैंक, मतलब वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा जगह यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ है हर जगह पे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, पूरा घास से भरा हुआ मैदान, पहाड़ी, पेड़, और ये देख रहे हैं वहाँ पे वो अच्छे लग रहे हैं, वो जो पेड़ का जो सामने देख रहे हैं आप, मतलब जो भी है वो जंगल वगैरह टाइप, वो कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे जो अभी जो मेघालय गवर्नमेंट है वो कुछ आर्टिफिशियल जंगल ही बना रही है, जैसे कि वो सामने देखिए आप आर्टिफिशियल का, वो तो ये सामने देख रहे हैं आप हरे हरे जो ग्राहे हरे, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ टाइप के घेर घेर के वो लोग बनाए हुए हैं, वो पूरा आर्टिफिशियल पेड़ ये लोग लगा रहे हैं और आर्टिफिशियल जंगल बना रहे हैं आप। ऑब्वियसली जंगल है तो वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, बट क्योंकि ये नेचुरली बॉर्न नहीं है तो इसको लगाया जा रहा है और इसको जंगल के टाइप का बनाया जा रहा है, क्योंकि पीछे झील है ना यहाँ पे, ये बीच में झील है तो झील के तरफ चारों तरफ जंगल थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा जंगल वगैरह लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है। बाकी ये भैया लोगों का खाना आ गया, ये रहे भैया लोग सारे हमारे बिहार से और यूपी से बिलोंग करते हैं, और ये खाना आ चुका है इनका, दी खाना लेके आई है अभी, एंड अभी यहाँ पे सब लोग खाना खाएंगे, वो पान डिलीवर हो रहा है। और यहाँ पे गाइस मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, मेघालय में मतलब पान का कल्चर इतना ज़्यादा है कि कुछ भी करने के बाद पान चाहिए ना, ये देखिए क्वाय, इसका नाम क्वाय है, चूना पत्ता कुछ में, और सुपारी भी कच्ची वाली है ना, कच्ची वाली नशीली सुपारी, खाने के बाद दिमाग भी हिट और नीचे का। तो अभी मैं वहीं पे था खाना पीना खाने के बाद, अभी अतवा से इधर टहलने के लिए आ गया हूँ। उन लोगों ने बताया कि इधर का व्यू काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे वो लोग नहाने भी आते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा झरना टाइप का है, वहाँ पे पानी भी अभी कम हो गया है तो व्यू काफ़ी बढ़िया आता है। शायद वो इसी जगह के बारे में बात कर रहे थे कि यहीं पर शायद वो लोग नहाते हैं, एंड दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा आगे आके आपको, बाकी मैं उसके आगे भी चलूँगा, अभी फिलहाल आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। सच में काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब यहाँ पे लिटरली, और मेघालय जो जगह है ना गाइस, अगर यहाँ पे बारिश ना हो ना, बारिश अगर बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिनों तक ये जगह अच्छा लग नहीं सकता। नहीं शायद यहाँ पर तो नहीं नहाते होंगे, पानी गंदा हो रखा है इधर। मैं चलता हूँ फिर देखता हूँ और कौन से व्यू पॉइंट है, कौन सा ऐसा जगह जहाँ पर वो लोग नहाते होंगे। और मैं यही कह रहा था कि अगर यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो ना, तो ये जगह की जो खूबसूरती है ना वो जैसी है वैसी रह नहीं जाएगी। अगर ये घास जो आज हरे नज़र आ रहे हैं, अगर ये पीले हो जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेंगे, मतलब बिल्कुल भी। अगर जो ये घास आप देख रहे हैं गाइस, अगर मान लीजिए कि ये पीले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से, जो कि हो रहे हैं ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे घास जो है वो पीले होने शुरू हो चुके हैं, तो अगर ये घास ही पीले हो जाएंगे तो फिर लगेगा नहीं अच्छा। और यहाँ पे भैया लोग बता रहे थे कि आप जो बारिश के लिए इतना एक्साइटेड है, जब बारिश होगी तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश के साथ तूफान भी बहुत तेज आता है इस एरिया में, इन जगहों पर। तो उन्होंने ये सब बताया, मतलब तूफान काफी ज़्यादा है ना, अभी मैं फील कर पा रहा हूँ कि बादल गरज रहा है काफी तेज और बारिश आने वाली है, और जो बारिश आने वाली है और जहाँ पे मतलब हवा जो है वो काफी तेज हो चुका है, तो लिटरली मैं अभी इस चीज को फील कर सकता हूँ। बाकी देखिए इन जंगलों से होकर आगे की तरफ जा रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ मुझे भेजना चाहते थे, बोले सीधा रास्ता जाएगा नीचे की तरफ, रास्ता है पता नहीं।
चलते हैं। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी वगैरह गाड़ियाँ गई और नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है इधर से। पता नहीं यार मैं कहाँ पे आता जा रहा हूँ, क्योंकि एक रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे सांप भी हो सकता है। वो सामने कहीं मस्त सा व्यू दिख रहा है, ये देखिए पूरा अमेजिंग सा। और नहाने वाला घर तो शायद वो लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे ही जगह होते हैं जहाँ पे नहाते हैं लोग इस तरह के। बाकी कुछ ऐसा ही यहाँ का व्यू, कुछ इतनी ब्यूटीफुल। सामने वो ट्रैक, नाम मैं फिर से भूल गया, नाम मैं हालांकि बता चुका हूँ आपको, वीडियो में आप देख पाएंगे। तो यही है, चलते हैं यहाँ से वापस। अब अभी रह रहा है मेरा जो घूमने के लिए अब जगह यहाँ पर रह रहा है, हालांकि ये 3-4 प्लेसेस रह रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस रह रहे हैं, बट जो बेसिकली मेनली जो रह रहा है वो है मावसिन राम विलेज। मैं जो अभी तक मावसिन राम घूमा हूँ, वो मावसिन राम अभी तक मैं मावसिन राम का जो गांव है वो गांव में अभी तक नहीं घूमा हूँ। मैं घूमा हूँ मावसिन राम का बाजार, मावसिन राम का जो व्यू पॉइंट है वो। और अभी एक दो जगह मेरा बचा हुआ है, एक तो प्रॉपर ऐसा जगह है जो पूरा एक दिन का टाइम लेगा, वो एक कोई केव या कोई टनल टाइप का है जहाँ पे मतलब बिना गाइड के आप नहीं जा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं लेकिन आप खो जाएंगे वहाँ पे बिना गाइड के जाएंगे। तो ऐसा वो लोग ऐसा बता रहे थे कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उस जगह का रास्ता, और इतना मतलब अंदर भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, रास्ते इतने ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप वहाँ पे खो सकते हैं तो गाइड लेके जाना पड़ता है। तो वो जगह मुझे लगता है कि पूरा एक दिन ले लेगा, और भैया लोगों ने भी बताया है कि वो जगह का मतलब टाइम लेगा आपका कम से कम 1-2 घंटे टाइम लेगा। तो 1-2 घंटे के टाइम का मतलब यही है कि एक दो दिन पूरा। और वो जगह घूमने के बाद वहाँ से जब मैं वापस आऊँगा तो फिर एक दिन दूंगा फिर मावसिन राम गाँव को, मतलब एक वीडियो मावसिन राम गाँव के ऊपर पूरा प्रॉपर। और यही है, बाकी मिलते हैं आपसे जो भी अपडेट रहता है आज का। आज की वीडियो को तो अभी ख़त्म नहीं करा मैंने, जो ख़त्म करूँगा तो आपको डेफिनेटली बताऊँगा इस बारे में, वहाँ पे पहुँचने के बाद ही ऑफकोर्स ख़त्म करूँगा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और कैंपिंग कहाँ पे करूँगा ये बात आपको बताने के बाद। तो मिलते हैं आपसे आगे किसी और अपडेट के साथ। और गाइज ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक मैं आज डेफिनेटली कंप्लीट करता, लेकिन मौसम ना बहुत ख़राब हो रखा है, मौसम लिटरली बहुत ख़राब हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि मैं ऊपर गया और बारिश वगैरह तूफान तेज शुरू हो गई ना, तो मैं गंदा फंसूंगा, मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा, इसलिए मैं आज इस ट्रैक को नहीं करना चाहता। लिटरली कह रहा हूँ, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है, शायद माइक उसको कैप्चर भी कर पा रही होगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जिंदगी मतलब दिन के साथ साथ ज़िंदगी भी ख़राब कर लूँ, क्योंकि वहाँ पर जाना इतने तूफान में, और ऊपर आप समझ सकते हैं कितना हवा होगा, जब नीचे वैली में इतना तूफान है तो पहाड़ पर तो अमेजिंग सा तूफान होगा, मतलब वहाँ पर तो तूफान नहीं बवंडर होगा पूरा, इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ आज उसको। बाकी किसी दिन फिर से यहाँ पर आएंगे साइड पर भैया के साथ, तो डेफिनेटली उस ट्रैक को करेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और जगह पहुँचने के बाद गाइस, तब तक के लिए बने रहिए। तो यार अभी तक मैं बात कर रहा था, अभी तक मैं देख रहा था कि मतलब कह रहा था आप लोगों से कि बारिश नहीं हो रही है, और अभी इतना बारिश हो रहा है कि हम लोग कार में बैठे हुए बाहर मतलब टोटली भीग जाएंगे, इस तरह का सीन है। एंड लिटरली बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई अचानक से, मतलब सब लोगों ने बताया था कि यहाँ पर अगर बारिश शुरू हुई एक बार बहुत तगड़ी बारिश होती है। मैं थोड़ा सा आपको इस बारिश का एक झलक दिखाता हूँ, ये देखिए आप, इतनी तगड़ी बारिश हो रही है भाई। रात को जहाँ पे टेंट लगाएंगे तो हमारे टेंट पे थोड़ा सा पानी पड़ जाए, क्योंकि जब रेन साउंड आती है ना कैंपिंग के टाइम पे तो अलग ही वाली फीलिंग आती है, अलग ही वाली भाई आती है। तो देखते हैं रात का क्या सीन रहता है। बाकी अभी हम निकलेंगे यहाँ से कुछ देर में शाम तक, और मिलते हैं आपसे वहाँ पर वापस पहुँचने के बाद जहाँ पे कल रात को रुका हुआ था। अच्छा अभी मैं उन भैया के साथ जा रहा था वापस मावसिन राम की तरफ, तो रास्ते में ये जगह पड़ता है, पीछे जो गांव है उधर उस तरफ को वो है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, मौकरियात कहते हैं। और ये जो रास्ता जा रही है, जो सामने आप बस देख रहे हैं वो जा रही है, तो सामने अब मावसिन राम आएगा, तो मावसिन राम और मौकरियात के बीच में ये जगह पड़ता है। और जो अभी क्योंकि बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो मौसम काफ़ी खुल गया है, और इसकी जो खूबसूरती है ना वो गजब अलग ही लेवल पर पहुँच चुकी है अभी। तो मैं एक अच्छे से व्यू पॉइंट पर पहुँच गया, एक्चुअली यही है एक अच्छा सा व्यू पॉइंट, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से ये कैसा दिख रहा है। एक्चुअली थोड़ा और ऊपर आता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, आप ये देखो यहाँ का व्यू, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार। और सामने देखिए पूरा पहाड़ी ही है, ऐसा पहाड़ी है ना जहाँ पे लोग रह भी नहीं सकते,
लिटरली कह रहा हूँ, ये अजीब खासा कुछ पहाड़ी है, पूरा रेन फॉरेस्ट टाइप है और समतल इसमें कहीं पे है ही नहीं उस पहाड़ी पे। अदर पहाड़ों पे ऊपर जो आपको दिख रहा ना वो समतल था, वो मुझे भी नहीं पता वो एक्चुअली है क्या, वो समतल है या नहीं है। मैं कोशिश करूँगा ये जो टॉप है इस पर कभी मतलब किसी एक साइड से कहीं पर थोड़ी दूर भी चलने का चढ़ने का इस पर, क्योंकि लग तो रहा है यहाँ पर, देखिए लग रहा ना कि ऊपर जो टॉप वाला पोर्शन है वो थोड़ा समतल हो, बट क्योंकि उतना ऊँचा है वहाँ पर कोई रह भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है रहना वहाँ पर। एंड क्योंकि वहाँ पे हवा जब चलेगी तो पूरा बवंडर की तरह चलेगी, बारिश होगी तो बहुत तेज़ बारिश वहाँ पे फील होगी, तो इसलिए थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक और चीज़ देखिए पीछे, देखिए वो भाई लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं यार, वो देखिए वो लोग, देखिए वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं एंड इतने ज़्यादा ख़तरनाक जगह पर, वहाँ पर वो लोग पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं भाई लोग, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं एक्चुअली, लिटरली छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग, और वहाँ पर उतने ऊपर में वो लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, तो अप्रिशिएट देयर वर्क एज वेल। और ये व्यू पॉइंट मतलब मुझे अभी जा रहा था तो काफ़ी बढ़िया लगा, तो भैया ने यहाँ पर रोका। एक्चुअली पीछे ऊपर से तो पूरा प्लेन ही लग रहा है मुझे, लिटरली कह रहा हूँ पूरा प्लेन लग रहा है, बट ये पहाड़ी बहुत खतरनाक है और यहाँ के पहाड़ियों में आपको एक चिड़िया तक नहीं मिलेगा। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि एक पक्षी एक चिड़िया नहीं मिलेगा आपको यहाँ के पहाड़ियों में, जानवर तो आप भूल जाओ, जानवर जो भी होंगे वो तो मार के खा जाएंगे, जो भी जानवर होंगे उनको मार के खा जाएंगे, यहाँ पर चिड़िया तक नहीं रहती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होंगे, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट टाइप है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सांप होगा अंदर में, अभी अंदर में आपको बाहर से वो भी नहीं दिख सकता, अब तक मुझे कोई जानवर दिखाई नहीं यहाँ पे, मतलब सिर्फ कुत्ते दिखेंगे और बिल्ली बहुत रेयर, इस तरह का सीन। बाकी चलते हैं मौसिन राम, वहाँ पे पहुँच कर आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और इन्हीं भू के साथ शायद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे मौसिन राम पहुँचने के बाद।